आज हम बात करेंगे वो पेशेंट लोगों की जो हमारे पास में आते हैं और बोलते हैं कि लिंग के ऊपर की जो चमड़ी है ना वो चिपक के बैठी हुई है और वो पीछे जाती नहीं है, उसके लिए क्या करें। आइए, तो उसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यह कंडीशन को फाइमोसिस बोलते हैं। फाइमोसिस का मतलब ये होता है कि लिंग के सामने का जो जो टोपी रहती है, ग्लांस पेनिस बोलते हैं उसको, सामने का सेंसिटिव पोर्शन, वहां तक चमड़ी आती है और उसको पूरा कवर कर देती है। और पेशाब के लिए छोटी सी एक पॉइंट रहता है, मतलब यूरिन यूरेथ्रा का, कि जहाँ से यूरिन बाहर निकलती है, तो पूरा ऐसा कवर करेगी कंप्लीटली और पीछे जाती नहीं है, ये टाइट रहती है और इसको बोलते हैं फाइमोसिस। अब इसमें क्या होता है कि ये होने से इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या होगा, चमड़ी के नीचे स्मेग्मा जमा हो जाएगा, व्हाइट पार्टिकल जमा होते हैं, जो वीर्य रहता है ना वो बाहर निकल के अंदर जमा होता, सूख जाता, उसके व्हाइट पार्टिकल्स तैयार होते, तो चमड़ी पीछे न करने के कारण वो व्हाइट पार्टिकल्स वहाँ जमा होते, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, लाल हिस्सा हो जाएगा, फिर पेशाब में अंगार होंगी, वो पूरा सामने का पूरा लाल हो जाएगा, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन ये पूरा संभव है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या फंगल इन्फेक्शन होगा। तो इसके लिए चमड़ी पीछे होना जरूरी है और हर व्यक्ति ने रोज स्नान करने के समय चमड़ी पीछे करके ग्लांस पेनिस को धोना चाहिए और पूरा पीछे का जो पार्ट है वो धोना चाहिए, साबुन से धोया तो भी चलता है। अब ये चमड़ी यदि पीछे होती नहीं तो क्या करना है, तो मैं घरेलू उपचार बताता हूँ। उसके लिए सिंपल है कि आप खोबरे का तेल है ना, कोकोनट ऑयल, वो लगाओ और थोड़ा ऐसा पीछे पीछे ऐसा करने की कोशिश करो रोज उसको, खोबरे का तेल या एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल नंबर दो, कैस्ट्रल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और कैस्ट्रल ऑयल इस्तेमाल करके उसको थोड़ा धीरे 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 पीछे कर सकते हैं। तीसरा उपचार है कि भाई वार्म वाटर जो है उसका शावर डालना, मतलब शावर से या ऐसा, मतलब थोड़ा सा वार्म लुक वार्म वाटर है, थोड़ा सा गर्म पानी, और वो पानी से धोना और उसके ऊपर ऐसी धार डालना है और चमड़ी धीरे 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 पीछे करने की कोशिश करना। चौथा है स्ट्रेचिंग करना, मतलब वो ऐसे सामने करना, ऐसा सामने खींचना हो फिर पीछे करना, सामने खींचना पीछे करना, ऐसा उसको उसकी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाना। पांचवा है कि स्वच्छता, क्लीन रखना बहुत जरूरी है, हाइजीन पेनिस की। क्या होता है कि पेनिस की हाइजीन यदि नहीं रखी है तो जो चमड़ी है वो पीछे जाती नहीं, वो वहाँ चिपक के बैठ जाती है, तो हरदम हर रोज पेनिस की हाइजीन रखना जरूरी है ताकि चमड़ी आगे पीछे होते जाएंगे। इसका इलाज क्या है, यदि वो सूजन आ गई, इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया, जो भी है, तो इसका इलाज क्या है उसका, एक तो ओरल एंटीबायोटिक लो, इन्फेक्शन हो गया है तो फंगल है बैक्टीरियल है, और लोकल भी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल मलम जो है वो लगाओ। यदि इन्फेक्शन नहीं है तो स्टीरॉयड बहुत काम में आता है, स्टीरॉयड्स के जो मलम रहते हैं वो बहुत काम में आते हैं और उससे बहुत अच्छा फायदा होता है, करीब करीब 70 से 80% लोगों को स्टीरॉयड लगा के वो पीछे हो जाती है। अभी क्या होता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है यूरिन करने में या सेक्सुअल इंटरकोर्स में। सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है कि जब इरेक्शन होता है, लैंगिक कठोरता जब आती है तो वो चमड़ी चिपक के रहेगी, और टाइटनेस समझो आता है तो हो सकता है कि वो सेक्स करने के समय फोर्सफुली खींच के पीछे चले जाएगी। समझो फोर्सफुली वो पीछे चले जाती है तो पीछे बाजू जो गड्ढा रहता है वहाँ जाके वो अटक जाएगी जोर से, और अटक जाने के बाद में वहाँ से ब्लड फ्लो होगा नहीं, सूजन आएंगी, वहाँ लिक्विड पानी जमा हो जाएगा और पेनिस बहुत बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, सब लाल हो जाएगा, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन, और एकदम वो इमरजेंसी होती है, क्योंकि उस समय यदि उसको ठीक नहीं किया, इलाज नहीं किया, तो बहुत बड़ा नुकसान पेनिस का, मतलब लिंग का हो सकता है। तो यदि चमड़ी पीछे होती नहीं है तो वो लोगों ने सेक्स नहीं करना चाहिए, जब तक वो चमड़ी पीछे करती नहीं है, तो सेक्स किया और फोर्सफुली यदि पीछे अटक गई चमड़ी तो वो हो गई इमरजेंसी, और आपको आपके डॉक्टर के पास में इमरजेंसी में जाना पड़ेगा और 2-3 घंटे में, 4 घंटे में उसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम लिंग का आ सकता है। तो जब वो ऐसी पीछे जाके ऐसी चिपक जाती है और पीछे ऐसी जैसी वो गर्दन जो है पेनिस की उसको ऐसे पकड़ लेती है और सूजन आती है, तो उसको बोलते हैं पैराफाइमोसिस, और वो पैराफाइमोसिस का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसका दो तरह का इलाज है, एक तो क्या है कि उसका उसकी सूजन कम करो, उसको ऐसा पिन से मारो और वहाँ का पानी निकालो या ब्लड निकालो, और ब्लड निकाल के सूजन कम करो, चमड़ी पीछे खींचो आगे खींचो ऐसा करो उसको, और फिर ठीक ठाक कर लो, वो होगी टेम्पररी इलाज। परमानेंट इलाज है कि चमड़ी निकाल लेना।
तो यदि करते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आज जिनको जिनको फाइमोसिस है, मतलब चमड़ी पीछे जाती नहीं है, उन्होंने उसका इलाज करना जरूरी है, नहीं तो इमरजेंसी आ सकती है। सभी जो यंग लड़के हैं, शादी होने वाली है, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि चमड़ी पीछे जाती नहीं है, तो उनको जरूरी वीडियो शेयर करो। बड़े लोगों को भी शेयर करो जो स्वच्छता रखते नहीं है, क्योंकि आप क्लीनलीनेस हाइजीन नहीं रखेंगे तो चमड़ी चिपक जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन होगा और बाद में प्रॉब्लम आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।